प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी आज निकालेंगे गांधी पद यात्रा, जिसमें 5,000 अनियमित कर्मचारियों की छटनी के विरोध में बूढ़ा तालाब घटनास्थल में जुटकर अहिंसात्मक आंदोलन करेंगे, जिसमें नियमितिक की भी वो मांग करने वाले हैं। पिछले 9 माह से करीब 5,000 अनियमित कर्मचारियों की सरकार ने की है छटनी, जिसमें अनियमित कर्मचारियों का आरोप है कि पिछली सरकार ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान मंच पर आकर तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने सरकार आने के बाद नियमित करने का वादा किया था, लेकिन नियमित ना कर उल्टा ही छटनी की जा रही है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। तो नियमितीकरण की मांग की जा रही है इन कर्मचारियों द्वारा। हालांकि इन कर्मचारियों का कहना है कि पिछले वक्त में जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, रमन सरकार थी, उस वक्त में भूपेश बघेल अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने मंच पर आकर ये बात कही थी साथ देते हुए कि अगर उनकी सरकार आएगी तो इन कर्मचारियों को न सिर्फ नियमित किया जाएगा बल्कि छटनी नहीं की जाएगी। जबकि जब से भूपेश की सरकार आई है तो छटनी भी की जा रही है, लिहाजा उसका विरोध कर रहे हैं कर्मचारी। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता हेमंत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हेमंत, क्या कुछ प्रमुख मांगे इन कर्मचारियों ने रखी है? देखिए, पिछले 9 माह में लगभग 5,000 जो अनियमित कर्मचारी है उनकी अलग अलग विभागों से छटनी सरकार ने की है, और जब पिछली सरकार के दौरान जब अनियमित कर्मचारियों ने नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन किया था तो उस समय तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल और अभी वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और उस समय तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष केएन सिंहदेव, उन्होंने मंच पर जाकर एक ऐलान किया था कि सरकार कांग्रेस के आते ही उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन 9 महीने के बाद तो उनको नियमित नहीं किया गया बल्कि सीधे अब उनको छटनी भी की जा रही है। तो इसी के विरोध में और वो आज बुढ़त लाभ में जुटने वाले हैं, और प्रदर्शन का जो तरीका है वो अहिंसात्मक है। गांधी पद यात्रा के जरिए वो विरोध करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अभी सरकार ने गांधी पद यात्रा निकाली तो उसी के विरोध में अब प्रदर्शन का तरीका नियमित कर्मचारियों ने अपनाया है और अहिंसात्मक प्रदर्शन आज वो करने जा रहे हैं। इनकी प्रमुख मांगे साफ तौर पर वही है कि इनको जो वेतन विसंगति इनकी आती है उसको दूर किया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी मांग और प्रमुख मांग है वो है नियमित करने की। प्रदेश के ऐसे लाखों कर्मचारी हैं जो अभी अनियमित के तौर पर काम कर रहे हैं, तो उनको नियमित करने की मांगे कर रहे हैं। इसके अलावा जिस प्रकार से छटनी की गई है तो उनका वापस विलय किया जाए, तो तमाम ऐसी मांग है जो अनियमित कर्मचारियों की है, और इसी को लेकर आज वो हिंसात्मक प्रदर्शन करने वाले हैं। और इसमें उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि जो नियमित कर्मचारी महासंघ है, पहले 2 फाड़ था लेकिन पिछले समय बैठक हुई और दोनों महासंघों का एक साथ विलय हो चुका है, तो इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य